हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2008 में आई एक अंडररेटेड हॉरर थ्रिलर मूवी ट्रेन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं गिडियन रैफ। नाम से तो ये कोई सर्वाइवल मूवी लगती है, जो कि अगर होती तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं यूएस एथलीट्स के एक ग्रुप को, जो कि ईस्टर्न यूरोप में आया है रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए। इसमें है टॉड, जो कि अपना पहला मैच जीत गया, उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स जो कि मैच हार गई, इसलिए वो सोच रही है कि रेसलिंग छोड़ दे, इनके फ्रेंड शेल्डन और क्लेयर, इनका कोच हैरिस और उसका असिस्टेंट विली। आज के मैच में टॉड ने जिसे हराया वो उसे एक पार्टी में इन्वाइट करता है, और टॉड इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन शेल्डन हाँ कर देता है। अब कल का मैच दूसरे शहर में है, इसलिए इन्हें सुबह सुबह निकलना होगा। वो सब अपने होटल पर जाते हैं और कोच साफ साफ कह देता है कि 8 बजते ही सो जाना, क्योंकि सुबह 7 बजे की ट्रेन है और 6:30 पर हम निकलेंगे। लेकिन उसकी वार्निंग को पूरी तरह इग्नोर करके वो चारों चल देते हैं पार्टी की तरफ, और उन्हें जाते हुए पकड़ लेता है विली। वो कोच को कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो खुद भी उनके साथ जा रहा है। वो क्लब पहुँचते हैं और काफ़ी देर तक पार्टी करने के बाद टॉड कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, लेकिन तब इसकी बहस हो जाती है अपने अपोनेंट से। ये बहस लड़ाई में बदल जाती है, और इस लड़ाई की वजह से वो सब काफ़ी लेट हो गए थे। उन्हें पता था कि ट्रेन मिस हो गई। वो जल्दी से स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर कोच उनका वेट कर रहा था, बाकी टीम तो जा चुकी। कोच उन पर काफ़ी गुस्सा करता है, स्पेशली विली पर। इसके बाद वो अगली ट्रेन के बारे में पता कर रहा था, लेकिन इंग्लिश कोई भी समझ नहीं पा रहा। तब उनके पास आती है एक लेडी, जिसका नाम था डॉक्टर वेलिस्लावा, और वो कहते हैं कि जिस ट्रेन में मैं जा रही हूँ वो आपकी मंजिल तक भी जाएगी, और टिकट्स आपको ट्रेन के अंदर ही मिलेंगे। वो सब उस ट्रेन तक पहुंच जाते हैं, और कोच जाकर मिलता है उसके कंडक्टर वैसिली से, जो कि 2 वर्कर्स को उनके साथ भेजता है उनकी सीट दिखाने के लिए। वो उनके पासपोर्ट मांगते हैं और वो भी चुपचाप दे देते हैं, लेकिन ये उन्हें नहीं करना था, क्योंकि ट्रेन चलते ही पासपोर्ट तो उन्होंने जला दिए। इससे हमें पता चलता है कि इन सब के साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा। खैर, क्लेयर बाथरूम में जाती है और वहाँ एक आदमी को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उसका फेस आधा जला हुआ था। उधर विली को एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जिसकी खांसी में खून आ रहा था। इन सब पैसेंजर्स में एक बात कॉमन है कि ये सब काफ़ी अमीर हैं। इधर कोच खाना खा रहा था, तब उसके पास आते वही डॉक्टर जिसने उनकी हेल्प की थी। वो दोनों बातें करते हैं और कोच काफ़ी ड्रंक हो गया था, तब वो उसे अपने साथ ले जाती है, और कोच सोच रहा था कि उसके मज़े हो गए, लेकिन वो डॉक्टर उसे ट्रैंकुलाइजर दे देती है। इसके बाद हम उसे एक टॉर्चर रूम में देखते हैं, जहाँ कोई उसके साथ चीरफाड़ कर रहा था। मीनवाइल ये चारों तुरथौ डेर खेल रहे हैं। टॉड को डेर मिलता है कि उसे ट्रेन के आखिर तक जाकर वापस आना है बिना कपड़ों के। वो भी चल देता है। भागते हुए वो पहुंच जाता है एक ऐसे कोच में जिसमें पूरी तरह अंधेरा था, और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उसके आगे एक और कोच था, जिसमें जाने का वो ट्राई करता है, लेकिन नहीं जा पाता, क्योंकि वो अंदर से लॉक था। अब वो यहीं से वापस जा रहा था कि तभी उसके पैर में एक कील चुभ जाती है। खैर, अब वो निकल रहा था, लेकिन तभी उसके पास आ जाता है एक अजीब सा आदमी, जिसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। टॉड उसे पीछे हटा रहा था, लेकिन वो एक रॉड उसके कंधे में घुसा कर उसे चित कर देता है। जब काफ़ी देर तक टॉड वापस नहीं आता, तो एलेक्स उसे ढूंढने जाती है, और वो भी इस कोच तक पहुंच गई थी, लेकिन टॉड वहां पर नहीं था। तभी वो कंडक्टर भी वहां पर पहुंच जाता है, और वो कहता है कि आराम से सो जाओ, टॉड वापस आ जाएगा, और अगर सुबह तक वो नहीं आया तो मैं खुद उसे ढूंढूंगा। ये सुनकर एलेक्स भी चल देती है, लेकिन टॉड तो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि वो भी टॉर्चर रूम में लटका हुआ है और डॉक्टर उसके साथ कुछ कर रही है। इसके बाद वो एक लेडी को बुलाने जाती है, जिसके बेटे की आँख में कुछ तो प्रॉब्लम है। खैर, जब सुबह तक भी टॉड वापस नहीं आता, तो वो सब कोच के पास जाते हैं, लेकिन कोच दरवाज़ा नहीं खोल रहा। तो वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं और देखते हैं कि कोच तो वहाँ पर है ही नहीं, और ना ही उसका सामान है। अब हालात काफ़ी सीरियस हो चुके थे। एलेक्स चिल्लाते हुए टॉड को ढूंढ रही थी, तब कंडक्टर उसे रोकता है और कहता है कि मैं ट्रेन को सर्च करूंगा, लेकिन तुम ऐसे मत चिल्लाओ, क्योंकि बाकी पैसेंजर डर रहे हैं। वो सब मान गए थे, इसलिए चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं। शेल्डन देखता है कि एक लड़की नहाने जा रही है, इसलिए वो छुपकर उसे देखने जाता है, लेकिन तभी वो दोनों वर्कर उसे भी मारकर बेहोश कर देते हैं। उसे भी वो टॉर्चर रूम में ले गए थे, जहां डॉक्टर किसी आदमी को उसके जेनिटल्स दिखा रही थी। इधर ये तीनों समझ गए थे कि कंडक्टर पर ये भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए वो खुद ही टॉड को ढूंढने निकल जाते हैं। क्लेयर पहुंच जाती है कंडक्टर के रूम में, जहां पर उसे पता चलता है कि उनके पासपोर्ट तो कब के जल गए। वो थोड़ा चेक करती है, तो उसे कुछ और पासपोर्ट मिलते हैं, लेकिन तभी कंडक्टर वहां पर पहुंच जाता है। वो समझ गई थी कि अब वो फंस गई। कंडक्टर उसे मारपीट कर पकड़ लेता है। इधर ये दोनों पहुंच गए थे सिडा कोच में, और सामने वाला कोच लॉक था, लेकिन उसके ऊपर खून लगा था, इसलिए एलेक्स ट्रेन के बाहर से होते हुए उस कोच में जाती है और फिर दरवाज़ा खोल देती है, ताकि विली भी अंदर आ जाए। ये वही टॉर्चर रूम है। उन्हें टॉड की बॉडी मिल जाती है, जिसकी आँखें निकाल ली गई थी, और सबसे टेरिफाइंग बात यह है कि वो भी जिंदा है। शेल्डन भी वहीं पर था। विली उसे लेकर जा रहा था, लेकिन एलेक्स उनके साथ नहीं जा रही, क्योंकि टॉड अभी जिंदा है और उसे अकेला वो कैसे छोड़ दे। टॉड कहता है कि मुझे मार दो, लेकिन एलेक्स ऐसा नहीं कर सकती।
तब शेल्डन एक कुल्हाड़ी से मारकर उसे फ्री करता है। उसे पता है कि वो दर्द में था क्योंकि इसके भी जेंटस निकाल लिए गए। इधर वो भयानक आदमी क्लेयर को ट्रेन के ऊपर से लेकर पहुंच जाता है उसे रूम तक। यह अनकामना सामना होता है जिसमें शेल्डन ढेर हो गया था और विली और एलेक्स क्लेयर को अपने साथ ले जा रहे थे लेकिन नहीं ले जा पाते। एलेक्स कहते हैं कि हमें ट्रेन से कूदना होगा लेकिन विली जानता था कि ऐसे तो वो मर जाएंगे। अटैकर से बचते हुए वो एक कोच में जाकर बंद हो जाते हैं और तभी एक टनल आ गई थी। इतने में टनल पार होती है, वो भयानक आदमी उन तक पहुंच गया था। उसने विली को भी पकड़ लिया। अब बची है एलेक्स। वो जाकर पैसेंजर्स के बीच में छुप जाती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो सब जानते हैं कि इस ट्रेन पर क्या चलता है। अब वो चारों इस टॉर्चर रूम में थे जहाँ पर शेल्डन को चीर कर उसका दिल निकाल लिया जाता है। आगे डॉक्टर की लैब थी जहाँ पर यह दिल काम में लाया जाएगा। उन्हें पता था कि उनके साथ भी यही होगा। वो दोनों वर्कर्स वहाँ पर आते हैं और वो एलेक्स का रेप करना चाह रहे थे लेकिन एलेक्स उनमें से एक को जान से मारकर भाग जाती है। वो कहीं जाकर छुप गई थी। तभी ट्रेन एक मिलिट्री चेक पॉइंट पर रुक जाती है और उसे लग रहा था कि अब तो वो बच जाएगी लेकिन वो देखती है कि हर कोई मिला हुआ है। वो सोल्जर्स पैसे भी लेते हैं और साथ में क्लेयर को भी ले जाते हैं। एलेक्स की फ्रेंड को वो सब ले जा रहे थे और वो बस देख ही सकती थी, इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं ये कौन सा स्टेशन या फिर कौन सी जगह है जहाँ उसकी फ्रेंड को रिश्वत के तौर पर दे दिया गया। क्या वो उसे दोबारा कभी देख पाएगी? क्या ये उसे जिंदा छोड़ेंगे? जो भी इसके साथ होने वाला है क्या वो सहन कर पाएगी? कुछ ऐसे सवाल उसके मन में आ रहे होंगे और पता नहीं कैसे वो खुद को संभाल रही है क्योंकि एक एक करके उसके सारे करीबी लोग मर गए, वो भी बड़ी बेरहमी से, और अभी तक उसे ये नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा। अब वो अपना गेटअप बदल कर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। वो पहुँच जाते हैं डॉक्टर की लैब तक जहाँ पर कई सारे पेशेंट थे। तभी वो ट्रेन भी बीच रास्ते में रुक गई थी और लैब में कई सारी नर्सेस आती हैं जो कि पेशेंट्स को लेकर जा रही थी। उस जंगल के बीच में एक हॉस्पिटल था। एलेक्स भी ट्रेन से उतर कर अंदर पहुँच जाती है और अंदर भी कई सारे अमीर पेशेंट्स थे। वहाँ पर विली को भी बंद किया गया था। वो उसे फ्री करके वहाँ से निकल रही थी तभी उसे दिखते हैं वो दोनों माँ बेटे जिन्हें हमने ट्रेन में भी देखा था। अब उस बच्चे की आंखें ठीक हैं और एलेक्स ने भी उन आंखों को पहचान लिया क्योंकि वो टॉड की हैं। अगर आप अब भी नहीं समझे तो बता दो कि उस ट्रेन में जितने भी लोग थे वो सब अमीर लोग थे जो कि अपने इलाज के लिए आए थे। किसी को नई आंखें चाहिए थी तो किसी को नया दिल, और ये सब उन्हें सस्ते में दिया उस डॉक्टर ने। यानी कि यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रही है। टूरिस्ट को मारकर उनके ऑर्गन्स बेचते हैं और सिर्फ बेचते नहीं बल्कि पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। तभी तो यहाँ जंगल के बीच में हॉस्पिटल है, इसलिए इनके पासपोर्ट भी जला दिए गए थे और इसलिए स्टेशन पर ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था क्योंकि सब मिले हुए हैं। रिकॉर्ड के हिसाब से तो ये सब होटल से निकले और उसके बाद गायब हो गए, ये किसी ट्रेन पर चढ़े ही नहीं। कुछ इस तरह सिस्टम काम करता है और अगर आपको लगता है कि तो सिर्फ फिल्म है तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सच में होती है और एक ग्लोबल क्राइम है। खैर, वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और जंगल के रास्ते वो आगे बढ़ रहे थे। विली को एक जगह बैठा कर एलेक्स आगे चेक करने जाती है तभी वो दोनों वर्कर्स विली को जान से मार देते हैं। अब एलेक्स का एक भी साथी नहीं बचा, यानी कि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा है और उसे इन सब की मौत का बदला चाहिए, इसलिए वो वापस पहुंच जाती है उस ट्रेन में जो कि अभी तक वहीं पर खड़ी है। ट्रेन चल देती है और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पूरी ट्रेन को जला देगी ताकि इसमें काम करने वाले भी मर जाएं और जो काम कराने आए हैं वो भी। लेकिन उसके रास्ते में आ जाता है वो कंडक्टर या उनके बीच फाइट होती है जिसमें एलेक्स उसे फांसी देकर मार देती है। अब उसे कोई डर नहीं क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब या तो वो मारेगी या मरेगी। हर जगह गैसोलीन डालकर वो आग लगाने ही वाली थी कि तभी डॉक्टर आकर उसे रोक देती है। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर तुमने ऐसा किया तो कई मासूम मारे जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके दोस्त मासूम नहीं थे? उसकी एक ना सुनकर वो आग लगा देती है जिसमें डॉक्टर भी जल गई थी। धीरे धीरे आग पूरी ट्रेन में फैल जाती है और अब पूरी ट्रेन जलते हुए दौड़ रही थी। एलेक्स अपने कोच को ट्रेन से अलग कर देती है और वो देखती है कि वो भयानक आदमी भी जलकर नीचे गिर गया, लेकिन ठीक से देखने पर उसे पता चलता है कि वो कोई और है। तभी वो पीछे से उस पर अटैक कर देता है। खैर, काफी स्ट्रगल के बाद एलेक्स उसे भी मारने में कामयाब हो गई थी और कुछ इस तरह उसने इन सबको मार डाला, लेकिन पता नहीं इनके जैसे और कितने होंगे। खैर, आगे हम देखते हैं कि उसने रेसलिंग नहीं छोड़ी बल्कि वो टॉड के सपने को आगे बढ़ा रही है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो शुरुआत में हमें लगता है कि ये किसी स्लैशर की तरह होगी और हम कुछ मारकाट देख पाएंगे, यानी कि स्टोरी में कुछ खास दम नहीं होगा। एक ट्रेन में आखिर क्या स्टोरी हो सकती है? लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ी हमें कई सारी चीजें दिखाकर टीज किया गया जिनके बारे में हम समझ पाए एंड में। ऐसा पहले लगता नहीं लेकिन ये मूवी काफी सीरियस है, इसमें काफी गहरा मैसेज है और कहानी पे भी जोर दिया गया है। ये थोड़ा बहुत हॉस्टल की भी याद दिलाती है, उसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था। आपको बता दूं कि पहले ये मूवी 1980 में आई टेरर ट्रेन का रीमेक होने वाली थी, लेकिन इवॉल्व होते होते ये एक ओरिजिनल फिल्म बन गई और ये काफी सही है। इसमें बहुत ज्यादा गोर और डिस्टर्बिंग सीन्स थे जिन्हें कट किया गया, जैसे कि कोच का टॉर्चर दिखाया गया था, उसका लीवर निकालकर पेट को दोबारा सिला जाता ऐसे ही टॉड के साथ, उसकी रिबकेज को खोलकर स्पाइन को तोड़ा जाता और फिर आंख निकाली जाती, शेल्डन के जेंटल्स निकालकर उसे सिला जाता, क्लेयर के मुंह में एक मीट हुक डाला जाता, और ये सारे सीन्स मूवी के अंदर मौजूद थे। इन्हें बाद में काटा गया। मोस्टली आपको ये कटा हुआ वर्जन ही मिलेगा हर जगह।
आपको ये भी बता दूं कि एलेक्स यानी कि थोरा बिर्च ने अपने ज्यादातर स्टंट्स खुद किए थे। तो जो भी ऐसी मूवीज आती हैं उन पे लोग यकीन नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये सब बकवास है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये सब क्राइम सच में होते हैं, ये एक फैक्ट है। तो अब बताइए आपका क्या कहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।